नमस्कार दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले जयपुर में हमारे मित्र हैं और दो चार और हैं, उन्होंने कहा था सर कि आरटीआई लिखो। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को मैटर दे दो, मैं आरटीआई लिख देता हूँ, मगर कुछ कारणवश वो हमारे मित्र हमें मैटर नहीं दे पाए। तो हमने पूछा कि गिव ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर दिल्ली को लिखा कि हमें उस डॉक्यूमेंट की फोटोस्टैट दीजिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-2021 में रिलीज़ की हो अंडर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में जो एक्ट बना था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो उसके अंडर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया हो बाई विच ऑल फर्स्ट एड पोस्ट, जिसके मुताबिक सभी जो प्राथमिक उपचार की पोस्ट हैं, चाहे वो चल रही हैं, अब चल कहाँ रही है, बस स्टैंड में हो सकती है, फैक्ट्री में हो सकती है, कम्युनिटी में हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, हाईवे पे हो सकती है, अंडर डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्या जो फर्स्ट एड पोस्ट है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की डेफिनेशन में आती है, कोई ऐसा मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है 2020-2021 का तो हमें दे दीजिए जिसके मुताबिक फर्स्ट एड पोस्ट की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी कि एक बंदा फर्स्ट एड पोस्ट चला रहा है तो उसको भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ऑल ओवर इंडिया लाइक एलोपैथी, जैसे एलोपैथी की होती है, आयुर्वेदा MBBS की होती है, BMS की होती है, BUMS की होती है, सिद्धा की होती है, BHMS होम्योपैथी की होती है और BNYS योगा नेचुरोपैथी की होती है, सोवा रिकवा की होती है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जितना मैंने पढ़ा है वो रिकॉग्नाइज पैथीज की होती है। अब प्राथमिक उपचार जो है, प्राथमिक उपचार हो सकता है कोई कर रहा हो होम्योपैथी की फर्स्ट एड के क्लैंडुला से कर रहा हो, कोई आयुर्वेदिक का कर रहा हो, काढ़े से कर रहा हो, किसी बंदे को हल्दी का दूध पिला रहा हो, कोई एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम में एक्री फ्लेविंग का ऑइंटमेंट लगा रहा हो, अभी डॉक्टर नहीं पहुंचा तो किसी को चोट लग गई तो चोट में किसी को प्राथमिक उपचार दे रहा है, तो हमने चोट की कि क्या फर्स्ट एड पोस्ट, क्या प्राथमिक उपचार की पोस्ट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की डेफिनेशन में डाली गई है 2020-2021 में, अगर डाली गई है क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत परेशान हो रहे हैं फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करने वाले, जिन्हें फर्स्ट एड दे रहे हैं उनको कहा जाता है पुलिस के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा तो कि आप अपनी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहीं स्टेट में है कि आप रजिस्टर कराओ। अब इसका जवाब जो आया है नेशनल काउंसिल सेक्रेटरिएट निर्माण भवन न्यू दिल्ली 22 अक्टूबर 2021 को, एज फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डिविजन इज कंसर्न इंफॉर्मेशन इज अंडर No such document has been released by division of the directorate. देखिए, ऐसा कोई document नहीं है जिसके मुताबिक first aid या प्राथमिक को हम force कर सकते हैं कि वो clinic, जब clinical establishment act की definition में ही नहीं आया तो वो उस पर लगेगा कैसे वो कानून, ये question थे। और ये प्रश्न है आपके सामने। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कहते हैं हम NOC ले लेंगे CMO से, और वही फर्स्ट एड का कोर्स करके NOC ले लोगे तो क्या आप MBBS हो, फिर तो MBBS करने की क्या जरूरत है। एक बंदा छोटा सा यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया तो छोटा सा यहाँ कोई चीज फट गई तो क्विक फिक्स से गुजारा कर लेता है 5 रुपए की, और दूसरा बंदा उस क्विक फिक्स को ही 5 लीटर की फेविकोल के बराबर अनुकूल समझने लगे तो समझ नहीं आती। तो याद रखिए CMACD प्राइमरी इज नॉट सिनोनियम विद MBBS, MBBS का मुकाबला नहीं कर सकता, हम अर्जुन जी का अभिमन्यु के मुकाबला नहीं कर सकते, फिर तो MBBS की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो ये लोग जो ऐसा शब्द या ऐसा प्रचार करते हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते। मैं उनको भी निवेदन करूंगा जो अपने आप रोज कहते हैं क्या MBBS AM हो जाएगा जी,
क्या BMS AM हो जाएगा जी, क्या BDS AM हो जाएगा जी, या MD AM हो जाएगा? यार ये छोटा सा बकरी का बच्चा है जो कि आप 2 रुपए दोगे कि आपको मिल जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपसे निवेदन है कि ये RTI पर्सनल है, लोगों के भलाई के लिए, इसको आप कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए कृपया ना मांगे, अदरवाइज आपके विरुद्ध केस किया जा सकता है। तो कई लोग अपने आप को स्टूडेंट बता के मेरे से वो ले लेते हैं कि बाबा जी सरदार हैं, सरदार को क्या पता लगता है, भोलेपन में वो दे देंगे। भाई ये कमर्शलाइजेशन की चीज़ नहीं है, ये आप सर्कुलेट करो, ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।